नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त अरियंत। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी मिस्टेक जो हर स्टूडेंट शायद अनजाने में कर बैठते हैं एंड जिसकी वजह से उनका जो एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट है वो खराब हो जाता है। एंड जब प्रोफेशनल एग्जाम्स की बात आती है देन यू स्ट्रेट अवे लूज 6 months ऑफ योर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस वन मिस्टेक। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो दोस्तों, नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिएगा एंड साथ ही साथ शेयर मार्केट के बेसिक्स जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर बिगनर्स, नीचे उसका लिंक छोड़ा हुआ है, फर्स्ट कमेंट में जाइए देखिए। 2 वीडियोस अपलोड हो गई है, सेकंड वीडियो इज ऑन डीमैट अकाउंट एंड हाउ यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग, सो दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज जाकर वहां पर देखिएगा एंड उस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। दोस्तों, अब आते हैं हम मिस्टेक पर। आई स्पीक टू मेनी स्टूडेंट्स एज पार्ट ऑफ माई मेंटरशिप प्रोग्राम। नाउ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि सर मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन रिवीजन करना है मुझे बहुत सारा, सर सिर्फ 50 दिन रह गए एग्जाम के लिए, सिर्फ 60 दिन रह गए एग्जाम के लिए एंड मेरे किसी टीचर ने या मेरे किसी प्रीवियस मेंटर ने बोला था कि एटलीस्ट 4 बार तो एग्जाम से पहले रिवाइज करना ही होगा, 3 बार तो रिवाइज करना ही होगा ताकि तुम एग्जामिनेशन क्लियर कर पाओ। नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर फ्रेंड्स, इस चक्कर में क्या होता है, सर फास्ट 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 पढ़ रहे हैं, सर जब सेकंड रिवीजन करते हैं तो कुछ याद ही नहीं है फर्स्ट रिवीजन वाला, अब टेंशन हो रहा है कि अरे मैं तो पूरा पढ़ के रखा था अब कुछ याद ही नहीं है। ऑब्वियसली वाई, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। कॉन्सेप्ट समझना है, इट डजंट मैटर आप अगर 50 बार भी रिवाइज कर लेते हो, देर इज नो गारंटी कि आप एग्जाम में करेक्ट आंसर लिख कर आओगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। आपने अपना फोकस रखा है रिवीजन करने के लिए कि मुझे 5 बार रिवीजन करना है। अगर नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करने से सब पास होते तो लोग खाली रिवाइज 10 बार 15 बार रीड रीड फटाफट फटाफट कर लेते थे। नो, व्हेन एनी टीचर सेज कि आपको 4 बार रिवीजन करना है, आई एम श्योर दे मीन कि फर्स्ट रीडिंग जो होती है आपकी मेन रीडिंग, दैट हैज टू बी कॉन्क्रीट, थरो, लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक आप समझ रहे हो कि आपको क्या कहना चाह रही है वो किताब जो है, जो टॉपिक है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। कॉन्सेप्ट समझना बहुत बहुत जरूरी है। अभी आप समझो, अगर आप 10 बार रिवाइज करके जाते हो एक क्वेश्चन को एंड वो क्वेश्चन उस फॉर्म में पूछा ही नहीं जाता है, अगर उसको तोड़ मरोड़ के पूछ लिया जाता है या 3-4 क्वेश्चन को मिला के पूछ लिया जाता है, देन आपकी रिविजन क्या काम आएगी, बिकॉज यू हैव नॉट डन द कॉन्सेप्ट, यू हैव नॉट अंडरस्टूड द डेप्थ ऑफ द टॉपिक। यू हैव टू रीड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अब्सॉर्ब वॉट द टॉपिक इज ट्राइंग टू टेल यू। एंड प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक कि सर हमें तो रिविजन बहुत करने हैं इसलिए हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिवाइज हो रहा है, सब तो हो रहा है लेकिन फिर कुछ याद नहीं रह रहा, रिटेंशन प्रॉब्लम हो रही है। ऑब्वियसली रिटेंशन प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप लोगों ने उसको अब्सॉर्ब किया ही नहीं है, आपने उसको रीड किया है, पेज को घुमा दिया है ये सोचकर कि मेरा रिविजन नंबर 1 हो गया है। नहीं, आफ्टर थरो रीडिंग, इवन वेन यू आर रिवाइजिंग फॉर द फर्स्ट और सेकेंड टाइम, यू विल स्टिल हैव टू रीड इट क्वाइट डीपली। जब आप सेकेंड थर्ड रिविजन की ओर प्रोसीड करते हो देन यू कैन स्टार्ट जस्ट ब्राउजिंग थ्रू एंड टर्निंग पेजेस। आप अगर एक भी रिविजन करके जाते हो एग्जामिनेशन के अंदर, इफ दैट रिविजन इज परफेक्ट देन यू आर थ्रू, इफ यू हैव अंडरस्टूड द डेप्थ ऑफ द टॉपिक देन यू आर थ्रू। सो प्लीज फोकस ऑन रिवाइजिंग। ये एक ही चीज मैं बताने चाहता था आपको, इसलिए छोटा सा वीडियो बनाया है ये खाली, बट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू गाइज कीप इट इन योर माइंड कि हमें ज्यादा रिवाइज नहीं करना है, हमें अच्छे से रिवाइज करना है। दैट इज वॉट इज द की टू सक्सीडिंग गेटिंग गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को एंड नीचे शेयर मार्केट के जो वीडियोज हैं वो जरूर देखिएगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। हो सके तो उनको शेयर भी कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हूँ और ज्यादा वीडियोज बनाने के लिए फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट वंस अगेन। एंड इस चैनल को तो आप देखते ही हैं, इस वीडियो को भी कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टडी विथ कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस।